प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बालों को हेल्दी ग्रोथ करने का एक सिंपल रेमेडी बताने वाली हूँ, क्योंकि जिसको भी लॉन्ग हेयर्स पसंद है तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी है, क्योंकि ये बालों को ग्रोथ कर देती है, लॉन्ग करती है और हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इचिंग इरिटेशन है अपना स्कैल्प पे, उसको जड़ से रिमूव करके आपका बालों को क्लीन हेल्दी है और ग्रोथ भी जल्दी से जल्दी बढ़ा देती है इस घरेलू नुस्खा। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के पहले अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करने से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड पर बेल सिंबल रहता है उसको आप क्लिक करने से मैं जब भी नया वीडियो अपलोड कर देती हूँ ना, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। करी लीफ पाउडर लेना चाहिए। आप करे पत्तों को अच्छे से सुखा के पाउडर भी बना सकते हो या आप मार्केट वाला रेडीमेड पाउडर भी ले सकते हो। आप आपका बालों का लेंथ के हिसाब से लीजिए। मैं यहाँ पे 2 चम्मच करे पत्तों का पाउडर, करी लीव्स का पाउडर ले रही हूँ। इसके अंदर हमें ऐड करना है दही। इसके अंदर दही ऐड कीजिए, ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करना चाहिए, क्योंकि करी लीव्स पाउडर ये अपना बालों को लॉन्ग करती है, स्ट्रॉन्ग करता है और अगर आपके बालों के अंदर डैंड्रफ है, इचिंग है, इरिटेशन है, उसको दूर करके आपका हेयर को सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट बना देते हैं। अगर आपको बाल ज़्यादा जड़ रहा है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ कीजिए। इससे बाल जो है क्लीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्कैल्प भी क्लीन रहेगा, हेल्दी रहेगा। ये हर हेयर टाइप के लिए भी सूटेबल है। अगर आपका हेयर कलर्ड भी हो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है उसको भी जड़ से हटा देती है ये नुस्खा। ऑयल स्कैल्प को रिमूव करता है, डैंड्रफ को, इचनेस को हटा के बालों को क्लीन और सॉफ्ट रख देता है, सॉफ्ट बना देता है। इस तरह मिक्स करना है, मिक्स करके बालों के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपके बालों के ऊपर ज़्यादा ही डैंड्रफ है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ इसके अंदर आप एक आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड कीजिए। नींबू का रस ऐड करके इसको फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करना चाहिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी रहता है, सिट्रिक एसिड भी रहता है। ये अपना बालों को अंदर डैंड्रफ को हटा देती है और बालों को क्लीन करता है, हेल्दी रखता है और सॉफ्ट बना देता है और बालों को ग्रोथ को भी बढ़ा देते हैं नींबू का रस। जब आपका स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं रहेगा तो स्कैल्प क्लीन रहने से ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू रस ऐड कर चुकी हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला लें, इसको बालों के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। इसको आप बालों के ऊपर शावर के 1 आधे घंटे के पहले अच्छी तरह अप्लाई करके आप शैम्पू कीजिए, बाल सिल्की स्मूथी होंगे। ऐसा इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में 3 बार कीजिए, इससे बाल हेल्दी ग्रोथ होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आज की मेरी वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। इस रेमेडी को आप बालों का रेमेडी को जरूर ट्राई करें, इससे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इन उसका हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। सो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।